गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, असि अज पढ़ रहे हैं 8वीं जमात का साइंस विषय का पाठ 2 सूखम जीव। सूखम जीव का तुसी पहले इस चैप्टर का पढ़ लिया है कि सूखम जीव की होंगे ने, सूखम जीवां दीआं किहड़े किहड़े ग्रुप हैं, सूखम जीव साडे लई किदां फायदेमंद ने ते किदां नुकसानदेह हैं। तो हुण आपां पढ़ रहे हैं सूखम जीव दा दे विच नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण बारे पढ़न जा रहे हैं कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण की होंगे। हम आप पढ़िया कि जो सूखम जीव ने फायदेमंद भी हैं ते नुकसानदेह। हुण नाइट्रोजन स्थिरीकरण जिहड़ा हैगा उह साडे लई जीवाणु फायदा करदे ने। स्थिरीकरण नाल जीवाणु धरती की भूमि की उपजाऊ शक्ति वधांदे हन। हुण उपजाऊ शक्ति कितना वधांदे हन, नाइट्रोजन नूं स्थिर करके, ताकि मिट्टी विच करदे ने ते मिट्टी विचों पौधे उस नाइट्रोजन के यौगिकां नूं अबजॉर्ब करके सोख के उन्हां नाइट्रोजनां तों अपने प्रोटीन तैयार करदे ने। ठीक है जी। हुण नाइट्रोजन स्थिरीकरण की है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कि नाइट्रोजन नूं फिक्स करना हैगा। नाइट्रोजन की हैगी है, गैस आ जिहड़ी साडे वायुमंडल च हुंदी है, पर प्रोटीन सिंथेसिस बनाउण दे लई, प्रोटीनस नूं पौधिआं नूं प्रोटीन बनाउण लई नाइट्रोजन की लोड़ हुंदी है। हुण नाइट्रोजन सीधे तौर ते पौधे हवा चो नहीं सोख सकते हैं, उन्हों नाइट्रोजन वरतन लई उन्हां नूं नाइट्रोजन दे यौगिकां दी लोड़ हुंदी है। हुण इह जिहड़े जीवाणु ने इह नाइट्रोजन नूं उहदे यौगिकां विच बदल के दिंदे ने, ताकि पौधे आसानी दे नाल सोख के उन्हों प्रोटीन बनाउण विच वरत सकण। हुण नाइट्रोजन स्थिरीकरण दे विच जिहड़ा जीवाणु हैगा राइजोबियम, राइजोबियम इक जीवाणु है, राइजोबियम नाम का एक जीवाणु है जो इसका स्थिरीकरण करता है। राइजोबियम जीवाणु की करता है, ये जो फलीदार पौधे हैं जिन्हें भी दाणा ने जिदा सोयाबीन आ मटर आ, इन्हों की जड़ा के रहा है, जड़ा के सहजीवी संबंध बनाता है। ये राइजोबियम जेड़े भी नाइट्रोजन हैगी, वायुमंडल की नाइट्रोजन हैगी है, उन्हों नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल दिता है, ते ओ नाइट्रोजन दे योगिक पौधे सोख लैंदे ने ते प्रोटीन बनांदे ने, ते इसे करके साडी दाणा जिहड़ियां ने उहनां विच प्रोटीन दी मात्रा ज्यादा हुंदी है, क्योंकि उहनां दे जिहड़ी जड़ां ने उहनां विच राइजोबियम जिहड़ा हैगा उह गंढां जड़ां दे विच गंढां हुंदियां ने जिन्हां विच रहिंदा है, ते इह पौधिआं नूं नाइट्रोजन दे योगिक दिंदा है ते पौधे इन रिटर्न इहनूं भोजन दिंदे ने, ते दोवें आपस दे विच सहजीवी संबंधां दे विच रहिंदे हन। हुण आपां इह की हैगा राइजोबियम की करदा है, नाइट्रोजन दा स्थिरीकरण करदा है कि नाइट्रोजन नूं नाइट्रोजन दे यौगिकां विच बदल दिंदा है, ते उह नाइट्रोजन दे यौगिक पौधे प्रोटीन बनाउण लई वरतदे हन। हुण तुसीं इक गल होर देखी होणी है कि राइजोबियम भी बदल रहा हैगा, ते कई वारी वायुमंडल दे विच बिजली चमकदी है, जदों बिजली चमकदी है बिजली चमकण दे नाल जिहड़ी वायुमंडल दी नाइट्रोजन है उहदा स्थिरीकरण हो जांदा है, उह बिजली जिहड़ी हैगी हवा दे विच जिहड़ी नाइट्रोजन है उस नूं नाइट्रोजन दे यौगिकां दे विच बदल दिंदी है, ते नाइट्रोजन दे यौगिक फिर उह मींह दे पानी दे नाल धरती ते जांदे ने, पानी विच घुल जांदे ने, ते फिर उह पौधे नूं वरत लैंदे ने प्रोटीन बनाउण दे लई। लेकिन आपां देखिआ नाइट्रोजन दा फिक्सेशन हो रिहा लगातार, पौधे उहनूं यूज़ कर रहे ने, वरत रहे ने, पर वायुमंडल दे विच हमेशा नाइट्रोजन दा जिहड़ा स्तर है उह बैलेंस रहिंदा है। नाइट्रोजन दा किन्नी हैगी साडे, किन्ने प्रतिशत हवा दे विच नाइट्रोजन हैगी है, 78-79% जिहड़ी हैगी है उह 78% नाइट्रोजन जिहड़ी हैगी है साडे वायुमंडल दी हवा दे विच, 78% वायुमंडल दे विच नाइट्रोजन हैगी है, पर उह हमेशा इन्नी रहिंदी है, कदे घटदी नहीं। हालांकि लगातार पौधे नाइट्रोजन नूं वरत रहे ने, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਚੱਕਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਚੱਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ इंग्लिश च कहने हैं नाइट्रोजन साइकल। नाइट्रोजन साइकल दे राही
हमेशा वायुमंडल दे विच नाइट्रोजन गैस का जिहड़ा हैगा बैलेंस बनिया रहिंदा है, इक ते घटदी नहीं लगातार, पौधे भी यूज कर रहे ने ते फिर वापस फिर दोबारा ये वायुमंडल दे विच भी चली जाती है लगातार, धरती दे विच नाइट्रोजन का बैलेंस कितना बनिया रहिंदा है कि लगातार वायुमंडल दे विच इहदी एक खास वैल्यू हैगी है 78%, वह बैलेंस उन्नी बरकरार रहिंदी है ते लगातार जीव जंतु नूं वरत भी रहे ने, पौधे वरत भी रहे ने। तो किस तरीके नाल हुंदी है आपां शुरू करांगे, एक चार्ट दे थ्रू बनावांगे, चक्कर बनाने आ, साइकल आ, ठीक है। पहला हैगा कि वायुमंडल नाइट्रोजन, वायुमंडल विच नाइट्रोजन, एन टू आपां नाइट्रोजन दे लई लिख रहे हैं, नाइट्रोजन का जिहड़ा रसायनिक सूत्र नूं आपां एन टू लिख दिंदे आ, एन लिख दिंदे आ कि नाइट्रोजन हैगी है, ठीक है। हुण वायुमंडल तो जिहड़ी नाइट्रोजन कित्थे जांदी है, वायुमंडल नाइट्रोजन का सब तो पहले की किया नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया इन्हां ने, नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जीवाणु, जीवाणु द्वारा स्थिरीकरण किया गया। जीवाणु केड़ा सीगा, राइजोबियम, राइजोबियम ने इहदा स्थिरीकरण कर दिता, ठीक है। स्थिरीकरण किहदे विच किया, नाइट्रोजन दे यौगिकां दे विच, किहदे विच नाइट्रोजन दे यौगिक दे विच, ठीक है। नाइट्रोजन दे यौगिक बना दिते जीवाणुआं ने, राइजोबियम ने, यौगिक किथे गए, मिट्टी दे विच, किथे गए, मिट्टी दे विच, मिट्टी तो हुण नाइट्रोजन दे यौगिक मिट्टी विच आ गए, मिट्टी तो नाइट्रोजन दे यौगिक पौधिआं ने ग्रहण किते, पौधिआं पौधिया ने ग्रहण किए, पौधिया ने ग्रहण कर ले, ठीक है, वरत ले, यूज कर ले, सौ किले मिट्टी दे विचों, ते हुण मिट्टी दे विच नाइट्रोजन दे यौगिक जीवाणुआं द्वारा स्थिरीकरण द्वारा आए। एक होर तरीके दे नाल वायुमंडल दे जिहड़े हैगे उह आंदे हैगे आ, जिहड़ी आपां गल कीती सीगी बिजली दे चमकण, बिजली चमकण नाल स्थिरीकरण, बिजली चमकण द्वारा, चमकण नाल नाइट्रोजन दा स्थिरीकरण, ठीक है। दस्या है कि बिजली जो चमकती है कई ते बिजली भी आए वायु हवा दे जिहड़ी नाइट्रोजन है उहनूं नाइट्रोजन दे यौगिकां च बदल दिंदी है ते बाद चो बारिश दे पानी दे नाल घुल के मिट्टी धरती ते आंदी हैगी है, मिट्टी चली जांदी है, मिट्टी दे विच जिहड़े पौधे नूं ओह अबजॉर्ब कर लैंदे ने। ये दो तरीके हैगे आ जिन्हां नाल वायुमंडल दी नाइट्रोजन यौगिकां दे विच बदल जांदी है ते मिट्टी दे विच चली जांदी, मिट्टी विचों पौधे नूं नाइट्रोजन दे यौगिकां नूं सोख के उहनां नूं प्रोटीन दे विच बदल दिंदे ने, वरतदे आ अपने। हुण पौधिआं ने ग्रहण कर ली, पौधिआं तों हुण जिहड़े पौधे कि खाते हैं, पौधिया जंतुआ ने खाता, ठीक है। हुण पौधिया द्वारा जंतुआ द्वारा जंतुआ द्वारा पौधे खाते जाते हैं, ठीक है, पौधे ग्रहण किए जाते हैं जंतुआ द्वारा, पौधिया खाना इहदे नाल इह हुण जंतुआं च चलेगी, ठीक है। हुण जंतुआं चलेगी पौधिआं द्वारा, हुण जंतु जिहड़े हैगे आ हुण जंतुआं द्वारा मल त्याग कीता जांदा है, ठीक है, जंतुआं द्वारा मल त्याग, मल त्याग ते मृत जीव जिहड़े ने
मृत जिहड़े हुंदे ने, मृत जीव जिहड़े ने जदों मर जांदे तां गलदे सड़दे आ, उहनां दा जिहड़ा शरीर उहनां विचों जिहड़ी हैगी आ प्रोटीन जिहड़े नाइट्रोजन दे यौगिक हुंदे ने उह दुबारा फिर मिट्टी चले जांदे ने। ठीक है, हुण मिट्टी दे विच किन्ने तरीकिआं नाल आ गई, तीन तरीकिआं नाल मिट्टी विच नाइट्रोजन दे यौगिक आंदे ने। एक हैगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु राइजोबियम द्वारा, इन्हां नाइट्रोजन नाइट्रोजन नूं यौगिक च बदला जांदा है, मिट्टी च जांदे ने। एक कर एक हैगा बिजली दे चमकण दे नाल जिहड़ा हैगा स्थिरीकरण हुंदा है, नाइट्रोजन यौगिकां दे विच बदलदी है ते मिट्टी विच चलदी है बारिश दे नाल, बारिश दे पानी दे नाल। एक हैगा जिहड़े मृत जीव जंतु ने, पौधे ने चाहे उत्तवा जंगली जीव जंतु जो भी ने मरदे ने, उहनां दे शरीर दा जदों विघटन हुंदा हैगा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਚ ਮੌਜੂਦ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਯੋਗਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਯੋਗਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪੌਦੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁਣ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਵਰਤਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਥਿਰੀਕਰਨ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਯੋਗਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਜੀਵਾਣੂ ਨੇ ਡੀਨਾਈਟ੍ਰੀਫਾਈਂਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੀਵਾਣੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਯੋਗਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਿਰ ਦੁਆਰਾ ਤੋਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਗੈਸ ਚ ਬਦਲ, ਕੁਛ ਜੀਵਾਣੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਯੋਗਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਗੈਸ ਫਿਰ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਿਰੀਕਰਨ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪੌਦੇ ਵਰਤਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਵਰਤਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਉਹ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਚੱਕਰ। ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਸਥਿਰੀਕਰਨ ਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਚੱਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਨਸਰ ਕਰੀਏ, ਅਭਿਆਸ ਜਿਹੜੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪਿੱਛੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈਗੇ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਭਰੋ, ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਹੈਗਾ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਦੀ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਅਸੀਂ ਨੰਗੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਸੂਖਮ ਦਰਸ਼ੀ। ਕੀ ਹੈਗਾ? ਸੂਖਮ ਦਰਸ਼ੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਹੈਗਾ ਨੀਲੀ ਹਰੀ ਕਾਈ ਡੈਸ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸਥਿਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿ ਨੀਲੀ ਹਰੀ ਕਾਈ ਡੈਸ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸਥਿਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਸਥਿਰੀਕਰਨ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਚੱਕਰ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਜੋ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੈਸ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਸਥਿਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਤੀਸਰਾ, ਅਲਕੋਹਲ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਲਕੋਹਲ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਅਲਕੋਹਲ ਖਮੀਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਮੀਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਮੀਰ ਕੀ ਹੈਗੀ? ਇੱਕ ਉੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਖਮੀਰੀਕਰਨ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਕੋਹਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਹੈਜਾ। ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਜਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਹੈਜਾ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਫੈਲਦੀ ਹੈ? ਜੀਵਾਣੂ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਕਿਹਦੇ ਕਾਰਨ? ਜੀਵਾਣੂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਮੀਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
हेठ लिखियां विच्चों किस दी तैयारी लई कीती जांदी है? खमीर दी वरतों हेठ लिखियां विच्चों किस दी तैयारी लई कीती जांदी है? आपां हुणे खाली थां भी भरी हैगी उपर चीनी दे नाल, चीनी दी, शराब दी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जां आक्सीजन। इहदे विच आपां पिछे जिहड़ा कि किहड़ा हैगा, खमीर दी वरतों शराब दी तैयारी लई कीती जांदी है इहनां विच्चों दी। हुण अपना अगला अगला अपना प्रश्न हैगा, हेठ लिखियां विच्चों केड़ी प्रतिजैविक दवाई है? किहनां विच्चों हेठां विच्चों केड़ी हैगी है वो प्रतिजैविक दवाई है? सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, अल्कोहल, खमीर। इहनां विच्चों दी केड़ी प्रतिजैविक दवाई हैगी है? स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिजैविक दवाई है। उस तो बाद मलेरिया फैलाउण वाला प्रोटोजोआ वाहक किहड़ा हैगा इहनां विच्चों दी? ते इहनां विच्चों दी हैगा मादा एनोफिलीज, मच्छर जिहड़ी हैगी है वह मलेरिया फैलाउंदी है। हुण इहदे विच अगला प्रश्न हैगा, छूत दे रोगां दा आम वाहक है कि हेठ लिखियां विच्चों जिहड़ा हैगा एक छूत दे रोगां दा आम वाहक है? आपां हैगा कीड़ी, घरेलू मक्खी, पतंगा, मकड़ी। कि छूत दे रोग जिहड़े आम वाक हैगा घरेलू मक्खी। आपां आम तौर ते कहिंदे हां ना खाणे दे उत्ते मक्खी नहीं बैठनी चाहीदी, मक्खी की करदी है एक जगह तों दूजे जगह जिहड़े जीवाणु ने उहनां नूं खाणे दे उत्ते फैलांदी है, जिहदे करके बीमारियां फैलदियां हन। उस तों बाद अगला हैगा, ब्रैड जां इडली दे गुन्न के रखे आटे दे फुल्लण दा कारण है? ब्रैड जां इडली दे गुन्न के रखे आटे दा फुल्लण दा कारण की हुंदा है? ते इहदे विच हैगा एक तां हैगा ताप कारण, गर्मी करके फुल जांदा है। दूसरा हैगा पीसण करके कि आटा पीसिया इस करके फुल जांदा है। तीजा है खमीर सैलां दा वाधा, अरे चौथा हैगा गुन्नण करके। ते इहदा आंसर हैगा आपां क्योंकि इहदे विच ब्रैड बनाउण लई ते इडली बनाउण लई खमीर दी वरतों कीती जांदी है, खमीर दे सैलां दे वाधे दे करके ओह फुल जांदा है। उस तों बाद हैगा अगला आंसर हैगा, खंड दे अलकोहल या शराब विच बदलण दी क्रिया नूं की कहिंदे हन? कि खंड नूं जदों अलकोहल च वरत लिया जांदा है तो उस क्रिया नूं की कहिंदे हन? ते उस क्रिया दे साडे कोल हैगे आ नाइट्रोजन दा स्थिरीकरण, उल्ली दा उगणा, खमीरन क्रिया, लाग दा होना। ते इहनां विचों हैगा आपां पिछे अलकोहल बनाउण लई खमीरीकरण क्रिया दी वरतों कीती जांदी है, ये खमीरीकरण क्रिया कहा जांदा है। ये साडे हुण हो गए आ तीसरा प्रश्न। हुण साडा ये दूसरा सीगा जिहदे च आपां एक सही विकल्प चुनना सीगा। हुण हैगा साडे कोल कॉलम ऊड़ा ते ऐड़ा विच दर्शाए गए जीव ते क्रियावां दा आपां मिलान करांगे, ठीक है जी। हुण इहदे विच आ गई है पहला हैगा जीवाणु, दूसरा हैगी इत्थे राइजोबियम, लैक्टोबैसीलस, खमीर, प्रोटोजोआ, विषाणु। ये जीव ने ते इहनां नाल संबंधित अगे क्रियावां ने नाइट्रोजन स्थिरीकरण, दही दा जमणा, ब्रैड दा बनाउणा, मलेरिया फैलण दा कारण, हैजा फैलण दा कारण, एड्स फैलण दा कारण ते प्रतिपिंड बनाउणा। हुण इहनां विच्चों जीवाणु किहड़ा हैगा? जीवाणु हैजा फैलण दा कारण हुंदा है। आपां इहदे च ए जीवाणु हैजा फैलण दा कारण हुंदा है। राइजोबियम आपां पढ़िया हैगा वह नाइट्रोजन स्थिरीकरण करदा है। लैक्टोबैसीलस दही जम्मण वास्ते वरत्या जांदा है। खमीर ब्रैड बनाउण लई वरत्या जांदा है। प्रोटोजोआ मलेरिया फैलण दा कारण है। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ हुंदा जिहदे करके मलेरिया हुंदा है, वह एक प्रोटोजोआ है। ते विषाणु एड्स फैलण दा कारण है, ठीक है जी। ये साडे सारे हो गए, जीवाणु हैजा फैलण दा कारण है, राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण, लैक्टोबैसीलस दही का जमना, खमीर ब्रैड बनाउणा,
प्रोटोजोआ मलेरिया फैलन का कारण ते विषाणु एड्स का कारण। हुण अपना अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न साडा हैगा हुण कि सूखम जीवां नूं नंगी अख नाल वेख्या जा सकता है, जे नहीं तां इह किवें वेखा जा सकते हन। सूखम जीवां नूं नंगी अख नाल नहीं वेख्या जा सकता, आपां नूं अपनी नंगी अखां नाल नहीं वेख सकते। सूखम जीवां नूं देखण लई सानूं एक खास यंत्र की लोड़ पैंदी है जिस नूं सूखमदर्शी कहा जाता है। इहनूं सिर्फ सूखमदर्शी की सहायता नाल ही वेख्या जा सकता है। ठीक है बच्चे, सूखम जीवां नूं आपां नंगी अख नाल नहीं वेख सकते, इहनूं वेखण लई सानूं सूखमदर्शी की लोड़ पैंदी है। ठीक है बच्चों, हुणे आपां चौथा सवाल हो गया, हुण अगला हैगा साडा पंजवां सवाल। पंजवां सवाल हैगा सूखम जीवां दे मुख वर्ग किहड़े किहड़े हन, कि आपां सूखम जीवां नूं किहड़े किहड़े ग्रुपां दे विच वंडिया होया है। इहदे विच हैगा आपां सूखम जीवां नूं चार मुख ग्रुपां विच वंडिया जा सकता है। चार मुख ग्रुपां दे विच वंडिया है, चार ग्रुप किहड़े किहड़े हैगे आ, इह हैगे आ, इक हैगा जीवाणु जिन्हों बैक्टीरिया कहा जाता है, दूसरा हैगा उल्लियां जिन्हों फंगस कहा जाता है, तीसरा है प्रोटोजोआ, उन्हों प्रोटोजोआ ही कहने इंग्लिश दे विच, चौथा है काई जिन्हों एलगी कहा जाता है। ठीक है, इन्हां विचों दी एक ग्रुप होर हैगा जिन्हों आपां विषाणु कहने आ, वायरस। बाकी सारे जीव जिहड़े ने चार जिहड़े ने इन्हां दे अपने सैल हुंदे ने, इन्हां दे सैल जिहड़े पूर्ण तौर ते अपने सैल काम करते ने, सारी क्रियावां करते ने। जिहड़े जीवाणु विषाणु हुंदे ने इन्हां दे सैल उदों ही एक्टिव हुंदे ने, उदों ही ये क्रिया करते ने, जनन क्रिया करते ने जदों अपने किसी मेजबान किसी पौधे विच किसी जंतु विच या किसी जीवाणु विच हुंदे ने, इह उदों ही क्रिया करते ने, नहीं तां इह जदों किसी मेजबान तों बाहर हुंदे ने तां इह एक मृत जीवी की तरह बिहेव करते ने। उस तों बाद हैगा अगला, सूखम जीवां दे नां दसो, उन्हां सूखम जीवां दे नां दसो जो मिट्टी विच्चों वायुमंडली विचली नाइट्रोजन दा स्थिरीकरण करदे हन, कि उह सूखम जीवां दे आपां नां दसणे हन जो वायुमंडली दे विच जिहड़ी नाइट्रोजन है उहदा स्थिरीकरण करके मिट्टी दी उपजाऊ शक्ति वधांदे हन। इहदे विच हैगा राइजोमियम जीवाणु, इह हैगा राइजोमियम जीवाणु जिहड़ा कि वायुमंडली नाइट्रोजन नूं स्थिरीकरण करके उहनूं मिट्टी दे विच उहदी उपजाऊ शक्ति वधाउण विच मदद करदा है। अच्छा विद्यार्थी, हुण अगला प्रश्न सत्तवां प्रश्न, साडे जीवन विच सूखम जीवां दे उपयोग बारे 10 लाइनां लिखणियां हन, कि आपां पढ़िया भी है पिछे कि सूखम जीव साडे लई फायदेमंद भी हन ते नुकसानमंद भी हन, ते आपां हुणे फायदे किहड़े किहड़े हैगे उह देखांगे। कि पहला फायदा हैगा जिहड़ा उपयोग हैगा, सूखम जीवां नूं दही अते ब्रैड बनाउण लई उपयोग कीता जांदा है। दही बनाने लई लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया वरत्या जाता है, अते ब्रैड बनाने लई खमीर नाम की उल्ली जिहड़ी हैगी है वह वरती जाती है। ठीक है जी, दूसरा हैगा खमीर की वरतों अल्कोहल जिन्हों आप शराब भी कहने बनाने लई की जाती है। यह क्रिया खमीरीकरण क्रिया होंदी है जिस दे नाल अल्कोहल जिहड़ी बनाई जाती है। तीसरा हैगा बहुत सारी दवाइयां प्रतिजैविक दवाइयां ने जिहड़ियां कि जीवाणुआं अते विषाणुआं जीवाणुआं अते उल्लियां तो तैयार कीतियां जांदियां हन। उदाहरण के तौर पर पेनिसिलिन स्ट्रैप्टोमाइसिन दवाइयां जिहड़ियां ने उह इन्हां जीवाणुआं अते उल्लियां तो तैयार कीतियां जांदियां हन। उस तों बाद कुछ सूक्ष्म जीवां तों टीबी अते चेचक आदि बीमारियां दीआं रोकथामां लई टीका भी तैयार कीता जांदा है। कुछ बीमारियां इदां दीआं हन जिन्हां वास्ते वैक्सीन टीका जिहनूं कहिंदे आ वैक्सीनेशन कहिंदे आ, उह वैक्सीन टीका भी तैयार कीता जांदा है। उस तों बाद हैगा सूखम जीव भूमी दी उपजाऊ शक्ति वधाउण विच भी मदद करदे हन, जिस तरह कि राइजोमियम इह हैगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर दी मदद करदा हैगा जिहदे नाल धरती की उपजाऊ शक्ति वधदी है। उस तों बाद हैगा कुछ सूखम जीव देसी खाद बनाने लई भी वरते जाते हैं, रूड़ी खाद जिहनूं कहिंदे आ आपां उह बनाने लई भी वरते जाते हैं। उस तों बाद कुछ सूखम जीव साडे शरीर के अंदर भोजन बना पचाउण विच भी मदद करते हैं,
ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈਗੀ ਈਕੋਲਾਈ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਐਸਟਿਕ ਐਸਿਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਰਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਨੇਗਰ, ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕੁਝ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਦਗੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਗੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਨੂੰ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਡੀਕੰਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕੁਝ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚਮੜੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਟੈਨਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਚਮੜੇ ਦੀ ਜੋ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਅੱਠਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਸਾਡੇ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜੰਤੂਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ, ਹੈਜ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਟਾਈਫਾਇਡ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵਾਣੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲੇਰੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੋਜ਼ੋਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉੱਲੀਆਂ ਤੋਂ ਫੰਗਸ ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਾਣੂ ਨੇ, ਵਾਇਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੂਕਸ਼ਮ ਜੀਵ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਵੀ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਕੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਹਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਹੁਣ 9ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਤੀਜੈਵਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਕੀ ਹਨ? ਪ੍ਰਤੀਜੈਵਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ? ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਜੈਵਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਪ੍ਰਤੀਜੈਵਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਜੈਵਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਧੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਨਨ ਕਿਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਨਾ ਫੈਲਣ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਰ ਨਾ ਫੈਲੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀਜੈਵਿਕ ਜੀਵੀਆਂ ਇਹ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ, ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੈਨੀਸਿਲਿਨ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਮਾਈਸਿਨ ਹੈ, ਇਹ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂ, ਉੱਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀਜੈਵਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਤੀਜੈਵਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੀਜੈਵਿਕ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਤੀਜੈਵਿਕ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਉਨੀ ਹੀ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਉਪਯੋਗੀ ਜੀਵਾਣੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਜੈਵਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਫਲੂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਫਲੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾਣੂਆਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਜੈਵਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾਣੂਆਂ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਅਤੇ ਉੱਲੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੈਪਟਰ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਵੀ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।